अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है यार सब लोग ठीक होंगे। तो आज एक और रेड बुल पुल की लेटेस्ट ट्रिक की वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले तो यार आप लोग चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है ब्लैक डायमंड अकाउंट का, तो उसमें आप लोग लाजमी पार्टिसिपेट कर लें। उसका टारगेट बहुत आसान है, 100 लाइक्स पे वो गिव अवे होगा। एक अपने बस कमेंट कर देना है वहाँ पर, तो ऑटो कमेंट पिकर से उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा अगर आप लोग उसका टारगेट पूरा कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है, जो अभी लेटेस्ट ट्रिक चल रही है, वंडर वंडर क्यू वाली जो ट्रिक चल रही है उसके हवाले से, तो आप लोग जो है वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। आप लोगों को इस तमाम एप्लीकेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी जो जो यूज़ होंगी, और दूसरा जो प्रोमो सिस्टम अपना जो इसमें फाइल चेंज होगी वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो सिंपली आप लोगों ने करना है क्या है कि मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर वर्चुअल बैकअप और एडवल पुल का जो लेटेस्ट वर्जन है प्ले स्टोर वाला, उसको ऐड कर देना। वो सिंपली दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो फिर वहाँ से आप लोगों ने एडवल पुल के अंदर अपनी मिनी क्लिप की कोई भी आईडी ऑन कर लेनी है। उसको सिंपली ओपन करने के बाद आप लोगों ने वेट करना है थोड़ा अपडेट का। मैं आपको इसका वर्ज़न दिखा दूँ, या आप इसका वर्ज़न देख लें। 5.8.0 है इसका वर्ज़न। दूसरा मैं सिंपली इसका आप और आपने करना क्या है कि यहाँ से आप लोगों ने इसकी कॉपी कर लेनी है यूनिक। तो आप सिंपली प्रोफाइल पे जाके यहाँ से यूनिक को कॉपी कर लीजिएगा, और एक आधा आप या तो कोई गेम खेल लीजिएगा या 10 मिनट तक वेट करिएगा तो अपडेट आ जाएगी आपके सामने। अभी मैं अपडेट भी आ जाएगी। मैंने इसको थोड़ा पाउज कर दिया था ताकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो। और ये मैं आपको क्यूज़ भी दिखा देता हूँ यार, कि आप ये देख लेंगे यार मेरे पास वंडर शेप जो क्यू है वो अभी नहीं है मेरे पास, और इसमें ब्रेड डायमंड क्यू भी मैक्स है। तो ये देखें अपडेट आ गई है। तो सिंपली आप लोगों ने बस इसको क्लोज़ कर देना है और वर्चुअल बैकअप से बैकअप को क्रिएट कर देना है। आपके सामने मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ यार, आप कोई स्टेप मिस नहीं करिएगा। सिंपली आप लोगों ने देखें वर्चुअल बैकअप को दोबारा ओपन कर लिया। अब इसका यहाँ से सॉरी बोल रहा हूँ, दोबारा ओपन कर लिया। अभी आप इसको वर्चुअल बैकअप को ओपन करना है, तो यहाँ से एडबॉल का बैकअप क्रिएट कर लेना है। अच्छा, मैं ये कह रहा था यार, ये ब्रेड डायमंड क्यू जो इस अकाउंट में मैक्स है, इस अकाउंट का भी मैं गिव अवे कर दूंगा। और अगर आप उस अकाउंट का गिव अवे को कंप्लीट जल्दी कर लेते हैं तो इसका भी नेक्स्ट गिव अवे इस अकाउंट का कर दूंगा मैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, मैं डाउनलोड में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो अपना इसकी जो फाइल है जो आपने चेंज करनी है उस फाइल को, पहले ये देखें एक्सट्रैक्ट भी होगा। एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ से आपको करके दिखाया है वीडियो के अंदर। वैसे तो आप लोगों को सबको पता ही है एक्सट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है, जिप फाइल है वो। तो आप बस सिंपली आप लोगों ने डॉक्यूमेंट में जाके जो फाइल है इंटरक्यूमेंट की, इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने एडबल पुल का जो वर्चुअल बैकअप है, फोल्डर बैकअप क्रिएट हुआ होगा, वहाँ पर जाके इसको सिंपली यूज़र डिफ़ॉल्ट के अंदर फोल्डर में जाके इसको रिप्लेस कर देना। तो फिर आप लोगों ने अपना हैक्स एडिटर ओपन कर लेना है। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। हैक्स एडिटर को सिंपली आप लोगों ने अपने ओपन कर लेना है। उसके बाद इसकी जो वैल्यूज़ चेंज करनी है, तो आप एक्सटर्नल में जाएंगे, वर्चुअल बैकअप एडबल पुल का फोल्डर, फाइल, कंटेंट, डॉक्यूमेंट, यूज़र डिफ़ॉल्ट और इक्विपमेंट का जो फाइल हमने चेंज की है उसको अपन ओपन कर लेनी है। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो आप देख रहे हैं 10 दफ़ा जो है 5 है। और फिर आप लोग जो यूनिक अपनी रखेंगे जो आपने कॉपी की थी उसको रिप्लेस करेंगे तो 2 वैल्यू चेंज हो जाएंगी। सिंपली आप लोगों ने सेव करके एग्जिट कर देना। फिर वर्चुअल बैकअप को अपना ओपन करने के बाद एडबल पुल के फोल्डर एडबल पुल को सिलेक्ट करके रिस्टोर कर देना। वर्चुअल बैकअप को ओपन करके एडबल पुल को रिस्टोर कर देना। तो ये सब काम जो है ये इसके अंदर अपना कर रहा हूँ मैं, 2 अकाउंट्स के अंदर। ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मल्टीपल अकाउंट्स की। तो मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर ये ट्रिक आसानी से वर्क कर रही है। आप और में भी चेक कर लीजिएगा अगर किसी में वर्क कर रही हो। फिलहाल इसमें वर्क कर रही है, तो इस तरह से ये मेरी ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी एडबॉल पुल की। तो यहाँ से आपको कोई इसका ऑप्शन क्लेम का नहीं आएगा। बस आपने इसको ये याद रखिएगा, 3 से 4 दफ़ा होम पे जाके दोबारा गेम को ओपन करना। इस तरह से 3 से 4 दफ़ा आप ओपन करना है लाजमी। उसके बाद फिर आप लोग अपना क्यू के अंदर जाएंगे, क्यू का जो अपना फोल्ड ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये वंडर क्यू जो है नज़र आ जाएगी। और इसको किस तरह से इसके कितने पीसेस मिले वो भी आप सब आपको नज़र आ जाएंगे। तो उम्मीद है यार आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई होगी।
क्योंकि अब ये ट्रिक वर्किंग में है, हर बंदा इसको अपलोड कर रहा है, तो इसको इजी आसानी से मैं जिस तरह से समझा सकता था आपके लिए मैंने अपने चैनल पे भी वीडियो अपलोड कर दिए। तो अब ये देखें इसके, अब इसको देख लें, वंडरलैंड क्यू जो है इसके पीसीस, इसको यहाँ से सिंपली जितने पीसीस मिलते जाएंगे मैं इसको पीसीस को ओपन क्लेम करता रहूँगा। तो यहाँ से भी मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी थी ताकि यार आप लोग बोर ना हो। ये मैं सारे पीसीस यहाँ से इसके कलेक्ट कर लूँगा जितने पीसीस मुझे अभी मिले हैं। तो इस तरह से यार ये वंडरलैंड क्यू है, इसको आप इसके पीसीस वगैरह लेके अपना क्यू कलेक्शन का पावर को मज़ीद और आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके ज़रिए आप लोगों का ब्लैक डायमंड भी अकाउंट हो जाता है अगर आपका क्यू कलेक्शन का पावर अच्छा हो तो। तो आप लोगों ने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।